हेलो एवरीवन हाउ आर यू ऑल कैसे हो आप सब लोग एंड मैं आर्यन कुमार अंदरपा मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वीआई डेवलपर्स वेलकम करता हूं माय प्रोग्रामिंग करियर सीजन वन एपिसोड फोर के इस वीडियो में सो एवरीवन लास्ट थ्री एपिसोड से हम लोग डिस्कस uh, कर रहे हैं अबाउट प्रोग्रामिंग अबाउट database about data types and about mongodb so in this lecture or in this episode we are going to discuss about functions so guys function and uh, data types are yeah, two important stuff eh, for the programming and uh, as well as for database uh, like mongodb बिकॉज वेन वी स्टार्ट विथ मोंगो आप लोग को फंक्शंस के साथ भी काम करना पड़ेगा और आपको डेटा टेप्स के साथ भी काम करना पड़ेगा ओके बिफोर वी स्टार्ट आर लेक्चर आई लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने अब तक टेक फ्रीडम को डाउनलोड नहीं किया है सो so उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए उसके अलावा अगर आपने अब तक हमारे प्रोग्रामिंग कोर्सेज के साथ इन नहीं किया है तो ट्वेंटी सिक्स ऑफ ऑगस्ट ट्वेंटी से लेके 11th ऑफ सेप्टेम्बर ट्वेंटी तक हमारी प्रोग्रामिंग बेचेस के एडमिशन ओपन है उसके बारे में और उसके इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप उसको फॉलोअप कर सकते हो और अगर आप इस टाइम पीरियड के बीच में, में मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो आप जो है आ, हमारे प्रोग्रामिंग कोर्सेज़ के साथ भी इन कर सकते हो ओके एवरी वन देन लेट्स स्टार्ट विथ फंक्शंस उससे पहले अगर आपको अपनी ऐप बनानी है अगर आपको अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना है तो वी आपको उसके लिए भी हेल्प करेगा यानी कि आप अब हमसे बाई कर सकते हो टीमटॉक होस्टिंग शेयर्ड होस्टिंग वी होस्टिंग और डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग और उसके अलावा आप हमसे बना बनवा सकते हो ऐप्स और वेबसाइट कोटेशन लेने के लिए और इंफॉर्मेश्स ज़्यादा चाहिए अगर आपको तो आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए इन्फो एट द रेट वी आई डेवलपर्स डॉट कॉम यानी कि आई एन एफ ओ एट द रेट वी आई डी ई वी ई एल ओ पी ई आर एस डॉट सी ओ एम पे डिस्क्रिप्शन में ईमेल भी अवेलेबल है ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद फंक्शंस एवरी वन फंक्शन एक इम्पॉर्टेंट uh, स्टफ है इन प्रोग्रामिंग और इस्पेशली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट और्टाइल को फॉलो करती है उनके लिए तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बट इट डजेंट मीन कि प्रोसेस ऑरिएटेड प्रोग्रामिंग के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है अब प्रोसेंस ऑरिएटेड प्रोग्रामिंग क्या है या फिर ऑबजेक्ट ऑरेंटेड प्रोग्रामिंग क्या है ये इस क्लास का टॉपिक नहीं है और ना ही इस कोर्स का टॉपिक है सो तो आपको ये ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है ओके एवरी वन डिस्कस अबाउट फंक्शंस गाइस फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड ही होता है फंक्शन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टास्क जो हम हमारे प्रोग्राम uh, को इंस्ट्रक्ट करते हैं करने के लिए सपोज आपका कीबोर्ड ठीक है आपका कीबोर्ड है अगर उसमें आप ए प्रेस करते हो सो so, ए ही प्रेस होगा वहाँ पे बी प्रेस नहीं होगा मतलब ए के लिए एक अलग फंक्शन है बी के लिए एक अलग फंक्शन है जब ए प्रेस होगा तो ए का, का काम होगा बी प्रेस होगा तो बी का, का काम होगा एंटर प्रेस होगा तो एंटर का, का काम होगा सपोज़ करो आप शॉप पर जाते हो एंड यू डिमांड फॉर सिल्क डेलमिन सिल्क ठीक है अगर आप सिल्क की डिमांड करते हो तो वहाँ पर आपको चॉकलेट मिलती है सिल्क उसने कभी आपको किट कैट दिया सिल्क के नाम पे नेवर अगर वो ऐसा करेगा तो बहुत मार पड़नी है उसे भी ठीक है तो इस तरीके से जो आ, प्रोग्रामिंग है उसमें भी फंक्शंस होते हैं जैसे मिल्क सिल्क है तो मिल्क सिल्क को उसका नाम दे दिया ना कि ये सिल्क के नाम से सेल करो और ये सिल्क का फंक्शन है वो चॉकलेट सिल्क के मतलब स्पेशलिटी है उसको उसका जो टेस्ट है या फिर उसके जो फ़्लेवर्स है और या फिर उसकी जो क्वालिटी है वो सिल्क के नाम से पब्लिश हुई है इसी तरीके से आ, हम लोग आ, प्रोग्रामिंग के साथ भी वर्क करते हैं प्रोग्रामिंग में एक ब्लॉक ऑफ कोड को एक रैपर के अंदर डाला जाता है और उसको कोई ना कोई नाम दिया जाता है दैट्स कॉल्ड फंक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या फिर मोंगो में हर एक जगह पे प्री डिफाइंड बहुत सारे फंक्शंस होते हैं यानी कि पहले से ही बने हुए बहुत सारे फंक्शंस होते हैं लेकिन उसके बियॉन्ड आप खुद के फंक्शंस भी बना सकते हो आप जो है आम, अपने नाम से भी फंक्शंस क्रिएट कर सकते हो अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फंक्शंस बनाने के लिए या फिर जिन्होंने फंक्शंस बना के रखे उन्होंने एक नेम के रूल को फॉलो किया है नेम का रूल है जो आपको फॉलो अप करने रहेंगे यानी कि फंक्शंस को लिखते वक्त या फिर अपना फंक्शन अगर आपको बनाना है या फिर दूसरे का किसी का फंक्शन आपको रीड करना है तो उस टाइम पे आपके फंक्शंस के रूल्स को नेम के जो रूल्स है उसको फॉलोअप करना पड़ेगा और ये रूल ना सिर्फ फंक्शंस पे बल्कि हर जगह पर एप्लीकेबल होंगे जहाँ भी आपको कोई अपनी कस्टम चीज़ बनानी है ओके एवरी वन सो लेट्स डिस्कस अबाउट द रूल्स ऑफ नेमिंग ये नेमिंग के रूल्स है नेम करने के किसी भी चीज़ को देखिए हम लोग ज़्यादातर नेमिंग रूल्स में कैमल केसेस का इस्तेमाल करते हैं कैमल केसेस यानी कि मेरे पास अगर तीन वर्ड है हाउ आर यू अगर तीन ये हाउ आर यू नाम का अगर मुझे फंक्शन बनाया सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग में जब आप किसी कोई भी चीज़ बनाते हो इट्स नॉट अबाउट वेरिएबल्स इट्स नॉट अबाउट फंक्शन इट्स नॉट अबाउट क्लासेस ये जो आप कोई भी चीज़ आप प्रोग्रामिंग में अपने खुद की बनाते हो तो आपको सबसे पहले तो स्पेस देना भूल ही जाना है आप प्रोग्रामिंग में स्पेस नहीं दे सकते हो आप कौन कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हो ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप केवल और केवल अल्फ़ाबेट्स नंबर्स एंड अंड अंडर स्कोर्स का ही यूज़ कर सकते हो फॉर नेमिंग ठीक है यू कॉन्ट यूज़ एनी इधर सिम्बल एनी अदर सिंबल्स बिसाइड्स ऑफ दिस थ्री थिंग्स ठीक है आप ना कोई सिम्बल यूज़ कर सकते हो ना कोई चीज़ यूज़ कर सकते अगर अब मैं बात करूँ कि कैमल केसेस जैसे अगर हाउ आर यू नाम का फंक्शन मुझे बनाना है तो उसका जो पहला वर्ड रहेगा वो इज व स्मॉल में रहेगा अब वर्ड सेपरेटर के तौर पे हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल में लिखा जाएगा लाइक हाउ आर यू अब हाउ आर यू में क्या होगा एच डब्ल्यू हाउ ये स्मॉल में होगा फिर उसी के साथ साथ मतलब पूरा लिखना है एक ही साथ में स्पेस तो दे नहीं सकते आप इसलिए पूरा लिखना है हाउ आर का ए कैपिटल एंड यू का वाई कैपिटल ठीक है सो so, ये कैपिटल लेटर्स के साथ काम करते हैं हम लोग एंड uh, इसी तरीके से फंक्शंस को बनाया जाता है फंक्शंस एक ब्लॉक ऑफ कोड रहते हैं जिसको वक्त आने पे एक्सिक्यूट होता है सपोज करो एक फाइल के अंदर एक प्रोग्रामिंग फाइल के अंदर लाख एक लाख फंक्शन है वन लैक्स फंक्शन है फिर वो तभी एक्सिक्यूट होते हैं वन लैख फंक्शंस उसमें से जब मैं सपोज uh, यू नाम का फंक्शन अगर बोलता हूँ कि भाई हवार यू तो वही काम होगा जो हावार यू में लिखा है वो आजू बाजू के किसी भी फंक्शन को एक्सिक्यूट नहीं करेगा अगर हाँ हावी के अंदर किसी एक फंक्शन को आजू बाजू के फंक्शन को कॉल किया गया है तो वो चीज़ अलग है लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में वो सिर्फ वही काम करेगा जो उस फंक्शन के अंदर लिखा है तो सपोज़ करो आपके फाइल आपके पास थ्री थाउजेंड फाइल्स है हर एक फ़ाइल के अंदर दो टू लैक्स कोडिंग लिखी हुई है मतलब आपके पास बहुत सारी लाइंस ऑफ कोडिंग है एंड इस इतनी लाइन को कंपाइल करने में या फिर इतनी लाइन को रन करने में बहुत लॉन्ग टाइम जाएगा आपका राइट right. बहुत 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 लॉन्ग टाइम जाने वाला है बिकॉज अगर आपका लॉन्ग uh, टाइम नहीं जाएगा तो आप इसको मैनेज कैसे करोगे आप इसको इजीली मैनेज मतलब सारी की सारी फाइल्स अगर एक साथ रन होगी तो आपके प्रोसेसर पे बहुत हीवी लोड पड़ेगा और सारी फाइल्स एक साथ रन करने का कोई नीड भी नहीं होती है सपोज़ आप टेक फ्रीडम का ही देख लो एग्जाम्पल अगर आप टेक फ्रीडम का यूज़ कर रहे हो और आप एप बैकअप पर क्लिक करते हो और इमेज डर टेक्स ट्रांसलेटर सारे के सारे फंक्शन एक साथ ओपन हो जाए तो उसका कोई मतलब भी नहीं है ना तो इसीलिए हम लोग फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं कि जब हमें जो चाहिए वही रन होगा और इससे आपकी सारी कोड एक बंडल भी हो जाती है और वही कोड एट अ टाइम कॉल होती है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है ठीक है so, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग को समझ नहीं रहेगी अबाउट दिस स्टफ ठीक है अबाउट दिस फंक्शंस और देर आर मैनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस ठीक है देर आर मैनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस लाइक देर आर फोर टाइप्स ऑफ फंक्शंस लेकिन उसको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है बट फंक्शंस को ऐसे समझ लीजिए कि फंक्शंस जो है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड रहता है एक अलग एक छोटा सा पार्ट रहता है ठीक है पूरे प्रोग्राम का एक छोटा सा पार्ट होता है जब उस पार्ट को कॉल किया जाता है तो वो अपना टास्क परफॉर्म करता है और ख़त्म हो जाता है वो ठीक है देर आर फोर टाइप्स ऑफ फंक्शंस जिसमें रिटर्न टाइप और आर्ग्यूमेंट्स का कॉम्बिनेशन <coughs> करके बहुत अलग अलग चीज़ें जो है वो बनाई जाती है लेकिन उसके बारे में अभी आप टेंशन मत लीजिए और फंक्शंस की केवल एक आइडेंटिफिकेशन होती है वो मैं बता देता हूँ फंक्शंस की हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आइडेंटिफिकेशन होती है कि फंक्शंस के नेम के बाद ठीक है फंक्शन के नेम के बाद लेफ्ट पेरेंट और राइट पेरेंट लगाया जाता है ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके बिसाइड सोचती है मतलब लेफ्ट पेरेंट राइट पेरेंट ना लगाना पड़े ऐसा भी होता है लेकिन जब भी फंक्शन को कॉल किया जाता है इट इज़ नेसेसरी टू टाइप फंक्शंस नेम देन लेफ्ट पेरेंट राइट पेरेंट ठीक है अभी ये क्यों किया जाता है कैसे किया जाता है ये आपको जब आप हमारे प्रोग्रामिंग कोर्सेज लेंगे और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा सो आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आ गया होगा कोई भी डाउट्स है तो डू कमेंट्स एंड आई ट्राई टू आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर यू सो थैंक यू सो मच एवरी वन इन स्टेट यून विध माई प्रोग्रामिंग करियर थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर लिसिंग दिस वीडियो